तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों बता दें, गोंडा से बड़ी खबर है, ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। बूथ नंबर 176, 352, 168 पर ईवीएम खराब हो गई है। लोग कर रहे हैं मशीन ठीक होने का इंतजार। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से, जहां पर कई ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक बूथ नंबर 176, 352 और 168 पर ईवीएम खराब होने की सूचना मिल रही है। लोग कर रहे हैं मशीन ठीक होने का इंतजार। तो कम से कम 3 बूथ पर ईवीएम खराब होने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। यह बूथ संख्या 176, 352 और 168, जहां पर ईवीएम खराब हो गई है और यहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि ईवीएम कब ठीक होगी और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम गोंडा में खराब हो गई है। 176, 352 और 168 ये वो पोलिंग बूथ हैं जहां पर ईवीएम खराब हो गई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि ईवीएम कब ठीक होगी और कब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में शरीक होने जो लोग 352, 168 बूथ संख्या पर पहुंचे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ईवीएम ठीक होगी और कब वो इस पर्व का हिस्सा बनेंगे। 176, 352 और 168। तो गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर वोटिंग में देरी हो रही है। कुछ पोलिंग स्टेशन पर, पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। टेक्निकल टीम वहां पर भेजी गई है। रिजर्व ईवीएम भी रखी जाती है आमतौर पर। अगर ठीक नहीं होती ईवीएम मशीन तो फिर उसे रिप्लेस किया जाता है। अतुल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। अतुल, क्या अपडेट? देखिए, ये गोंडा जिले लोकसभा क्षेत्र और कैसरा का लोकसभा क्षेत्र कई स्थानों पर अभी ईवीएम मशीन खराब है, जिससे मतदान नहीं शुरू हो चुका है। आदर्श बूथ नंबर 176 पर ईवीएम मशीन खराब है। वहीं गौरा विधानसभा क्षेत्र के 352 नंबर बूथ पर खराब है। गौरा विधानसभा के ही 80 बूथ संख्या 64 में ईवीएम मशीन खराब है। वही मैनन विधानसभा क्षेत्र के 168 नंबर बूथ पर जो ईवीएम मशीन खराब है, प्रशासन वहां पर दूसरी ईवीएम मशीन रिप्लेस करने में जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक इन मतदान केंद्रों पर मतदान नहीं शुरू हो चुका है। वही कई जगह ऐसे देखने को मिला है जहां पीठासीन अधिकारी ईवीएम और मशीन को लगाने में भी काफी आनाकानी कर रहे थे, जब वहां कई जगह पर लेट हुई मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, अपडेट दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल